कुछ लोग होते हैं पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर जिनको शायद ये बात आज अच्छी नहीं लग रही कि कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी के साथ टिकटों का फैसला करने क्यों जा रही है। मुझे एक पत्रकार के फोन आए थे कि अरुण सूद जी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप उनके खिलाफ लड़ेंगे क्या जवाब होना चाहिए था मेरे एक अध्यक्ष के नाते? पार्टी कहेगी तो लड़ें, आज भी वही मेरा स्टैंड है। पवन बंसल जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं, पिछला इतिहास देखा जाए तो कोई हम लेट नहीं है, अक्सर एक दो दिन पहले ही नामों की घोषणा की जाती है। अर्थप्रकाश टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सुभाष चावला जी के साथ हैं। सुभाष चावला जी आप जानते हैं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। चुनावों की गहमा गहमी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि कांग्रेस की तरफ से किस वार्ड से कौन किसको टिकट मिल रही है, कौन लड़ने जा रहा है। हालांकि यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी है, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने कुछ कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं। तो चावला जी से सबसे पहले, तो चावला जी आप देखिए 27 तारीख से नामांकन भरने की जो प्रक्रिया थी शुरू हो गई थी और 4 तारीख को ये ख़त्म होने जा रही है, आज 1 दिसंबर हुई है और अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। हालांकि आपकी तरफ से कमेटी जरूर गठित की गई है और उस कमेटी की कोई मीटिंग हुई है या क्या स्थिति है उसके बारे में बता सकते हैं? पहले 5 चुनाव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हो चुके हैं, अगर पूरे इतिहास देखेंगे आपको तो कभी भी इतनी जल्दबाजी से हमने घोषित नहीं की है। लगभग आखिरी दिन या एक दिन पहले ही सारे होते हैं। ये ठीक है कि हम प्रक्रिया बहुत पहले शुरू कर देते हैं, पत्रकारों से हम बातचीत भी करते रहते हैं तो उनमें ज़्यादा हमसे ज़्यादा उनमें प्रोस्टी होती है कि जल्दी लिस्ट आ जाए जी, लेकिन एक कमेटी बनना ये हमारे कांग्रेस संविधान के तहत ज़रूरी है। हर बार बनती है और हर बार वही तय करती है बैठ के, कई बार वो प्रस्ताव पास करके किसी एक खास आदमी को अधिकार दे देती हैं, कई बार वो खुद उस पर डिस्कशन करती है। तो पिछला इतिहास देखा जाए तो कोई हम लेट नहीं है, अक्सर एक दो दिन पहले ही इन नामों की घोषणा की जाती है। इसमें कमेटी में पवन बंसल जी भी हैं, हरीश चौधरी जी भी हैं, आपके अलावा और भी लोग हैं, तो कोई मीटिंग अभी तक आपने की है या कोई प्रपोज है मीटिंग कब करने का इरादा है? अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई क्योंकि इसमें पहले जो मंथन होता है एक पार्टी के अंदर, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठ के कौन कौन एप्लीकेंट आए हैं, कौन लोग मिल रहे हैं उनके साथ, कौन उनकी सिफारिश लेके आ रहे हैं जी, ये एक ऐसा लगातार एक मंथन चलता है करीब 10-15 दिन जी, वो पूरा हो चुका है। अब हमारे पास बिल्कुल क्लियर है कि कौन कैंडिडेट जो है उसके लिए कितने लोग आए और कैसे कैसे लोग आए जी, वो सारी एक रिपोर्ट से तैयार हो जाती है और फिर सारे मेंबरों को वो कन्वे कर दी जाती है। तो मुझे उम्मीद है क्योंकि इसमें हरीश चौधरी जी पंजाब के इंचार्ज हैं, उनकी व्यवस्थाएँ वहाँ हैं, बंसल जी दिल्ली में एक बहुत बड़े पद पर हैं जी, और सब तीनों का कम से कम बंसल जी का, हरीश चौधरी जी का और मेरा, और बाकी जो हमारे बाकी इसके मेंबर हैं वो तो हमारे लोकल हमारे साथी हैं, हमारे साथ के ही हैं जी, तो इनका तीनों का मिलना ज़रूरी होता है। उस समय मेरा ख्याल है कि आज रात को या कल सवेरे मीटिंग हो जाएगी। तो कब तक उम्मीद करें कि आप अपने कैंडिडेट्स को? अब उम्मीद वाले तो समय ही निकल गया, अब तो आज पहली है, मेरा ख्याल है कि 3 को तो हर हालत में करने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ा फॉर्म भरना, नॉमिनेशन भरना, उसके साथ एफिडेविट लगाना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्म होते हैं, उसको समय लग जाता है। और ये ना हो कि हम लास्ट मोमेंट पे ही निकालें तो जल्दबाजी में कोई फॉर्म गलत भरा जाए। थोड़ा इलेक्शन कमीशन से हमने प्रार्थना भी की थी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, लेकिन उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा है जिसका कोई बहुत ज़्यादा संबंध चुनाव से होता भी नहीं, पर अगर उन्होंने कहा है तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये भी चर्चा चल रही है कि आप खुद वैसे इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव लड़ने में, लेकिन अगर अरुण सूद लड़ते हैं तो फिर आप भी मैदान में उतरेंगे, उसमें कितनी सच्चाई, क्या सिचुएशन क्या है, थोड़ा आप खुद अगर बता दें तो? मुझे एक पत्रकार के फ़ोन आए थे कि अरुण सूद जी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप
उनके खिलाफ लड़ेंगे। क्या जवाब होना चाहिए था मेरे एक अध्यक्ष के नाते? पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, आज भी वही मेरा स्टैंड है। पहले तो सूर साहब ने अभी तक उन्होंने अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया कि वो लड़ने जा रहे हैं या नहीं लड़ने जा रहे। जब वो घोषणा करेंगे और मुझे पार्टी इधर से कहेगी तो मैं ना करने वाला कौन होता हूँ। इसके अलावा ज्वाला साहब और भी पीछे बात उड़ती रही कि जो आपकी इंटरनल जो पार्टी के अंदर जो है टकराव बहुत ज़्यादा है कैंडिडेट्स को लेकर, आपस में मनमुटाव है, और ये भी सुनने में आया कि आप नाराज हो गए, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? पवन बंसल जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं और वो इस बात पे विश्वास करते हैं हमेशा कि कोई भी फैसला हो हम सब मिल बैठ कर करेंगे, और सब मिल बैठने के बाद भी हम आखिर में यही कहते हैं कि बंसल जी जो आप कहेंगे हम हमारे लिए वही एक आदेश है। वो खुद लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि आप सभी बैठ के सारी टिकटों का फैसला करें, मुझे राय दें। ये जो खबरें आ रही हैं मैं क्लियर कर दूँ, अभी तक जिसका कहा जा रहा है कोई मीटिंग हुई थी, मेरा पर टकराव हो गया, अभी तक ना तो कोई मीटिंग हुई, ना किसी बात पर किसी टिकट की चर्चा हुई। एक वरिष्ठ नेता के साथ जूनियर नेता की रोज़ मुलाकात होती है, उसके ये खबरों के बाद भी हम रोज़ मिल रहे हैं, अभी भी आधा घंटा पहले मेरे उनसे बात हुई है। ये कुछ लोग होते हैं पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर जिनको शायद ये बात आज अच्छी नहीं लग रही कि कांग्रेस पार्टी इतनी आसानी के साथ टिकटों का फैसला करने क्यों जा रही है, इसके पीछे बस यही एक बात हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे सुभाष चावला जिनका कहना है कि पार्टी में किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और किसी तरह की उनके मन में कोई नाराजगी नहीं है। पवन बंसल पार्टी के नेता हैं और उनके साथ सारी की सारी पार्टी मिलकर काम कर रही है। अर्थ प्रकाश टीवी की इस खास पेशकश में इतना ही, इसी तरह के कुछ और प्रोग्राम्स के साथ हम आपको रोजाना मिला करेंगे। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।